इस इलाके के सभी गैर कानूनी धंधों को रानी माई ने संभाला। मैं तुम तीनों को आज रात को मिलना चाहती हूँ, जरूरी बात है। उनके साथ उनके दो भांजे अर्जुन मात्रे उर्फ मेजर भाऊ। चलता हूँ चेयरमैन। अभी तो आए हो तुम? हम तो यहाँ पिछले 30 साल से, मैं तो आपको। और मधुकर मात्रे उर्फ मधु है। कल फिर से लफड़ा करके आया ना तू? नहीं नहीं, सब कपड़े पे खून लगा है मधु। पूरे इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन मिलेगा क्या? जापानीज, जर्मन, स्विस सब है हमारे पास। उनका दाग धोने में सबसे अच्छा कंट्री कौन सा है? ये अपनी जगह अपनी दरगाह किंग ऑफ गुप्ता है। उनका अपना बेटा अभय आंगरे भी इन सभी गैर कानूनी धंधों में शामिल। बोले तो एकदम मुंबई में पिछले 15 सालों से कोई भी बड़ी गैंग रिलेटेड वायलेंस ना होने का कारण एक समझौता है जो खुद रानी माई ने इन पांचों गैंग्स के साथ मिलकर किया था। अवल बहुत पहुंचेली चीज है। एक साइड मेजर, दूसरे साइड उसकी बहन, दोनों से गेम खेल रहा है। कैसे मारा तुमने उसे? अपने अंदर पेट सोल्जर को मारा नहीं है वो, पहले वो देश के लिए डॉक्टर था, अब सिर्फ अपने फैमिली के लिए। यांग्रे गैंग का सारा बिजनेस संभालेगा इस गैंग का नया लीडर। अब वक्त आ गया सारे गैंग्स को आंग्रे गैंग के नए लीडर से मिलने का। अपने को बदला लेना है अभी क्या बीच, वरना साला पब्लिक सोचेगा कि अपनी गांड पड़ गया। अगर किसी पर शक, सब सब बोल। ए, तुम सब पर है क्योंकि रानी माई के ना होने से फायदा तुम सबका है। फायदा तो तुम्हारा भी है। फैमिली। हम आंगरे रोते नहीं, रुलाते हैं। कर लेना मुझसे शादी। ये पॉजिटिव। Come on, धवल, भाऊ और दादा ने प्रॉमिस किया था नॉट गोइंग टू टच यू। चाय, कॉफी, ठंडा नहीं, विस्की। ये सब कान की मैया का है, चोद रहा है। 3,000 acres की जमीन, वो भी मुंबई के बीचों बीच, खजाना ही तो है। अपने आप को जिंदा रखना क्योंकि तुझे मैं मारूंगी।